प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर अपन ने 4 तक किया है पिछले वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने कराया है। बकाया इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी है, ये मैं समझता हूँ। अगर फिर भी होनी है बच्चों, आप सब जरूर बताइएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से करने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है, एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू वन हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर एक्स और वाई को अलग करना मुश्किल हो, या फिर अगर हम एक्स को वाई से अलग ना कर पा रहे हों, सेपरेट नहीं कर पा रहे हों, तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन कहते हैं। बच्चों, यहाँ भी आपको आप देख रहे हो, एक्स वाई का गुणा है, एक्स वाई गुणा है, आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं अपने पास, तो इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन कहेंगे। बच्चों, मैंने कहा है कि जो भी क्वेश्चन रहे उसका एक बार अवकलन करो, अवकलन करने के बाद सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन करो, और सिंप्लीफिकेशन के बाद डी बाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को एक साथ रखो, फिर उनसे डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकालते बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहला काम दोनों पक्षों का है ना बच्चों, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना बच्चों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चे लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है, तो अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना, है ना बच्चों, अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना, तो डी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स ऑफ रूट वाई प्लस वाई ऑफ रूट एक्स, और बच्चों इधर भी है डी अपॉन डी एक्स वन का डिफ्रेंशिएशन, है ना बच्चों। अब इसका अलग से अवकलन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स रूट एक्स का अलग अवकलन बच्चों, प्लस तो प्लस, और डी अपॉन डी एक्स वाई रूट वाई का, सॉरी वाई रूट एक्स का, सॉरी यहाँ पे एक्स रूट वाई है और यहाँ पे वाई रूट एक्स का अलग अवकलन। अब बच्चों, हम सबको पता है कि डी अपॉन डी एक्स अगर कॉन्स्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए बच्चों वन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, वन कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, और दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब क्या लगेगा बच्चों, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे कहते हैं डिवीजन रूल। तो बच्चों फार्मूला होता है, पहला फलन मतलब एक्स डी अपॉन डी एक्स, दूसरे का अवकलन मतलब रूट ऑफ वाई, और प्लस दूसरा फलन मतलब रूट ऑफ वाई, और फिर डी अपॉन डी एक्स पहले का अवकलन मतलब एक्स। फिर बच्चों यहाँ भी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, यहाँ बच्चों दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगेगा, मतलब ए इंटू बी का फार्मूला लगेगा। प्यारे बच्चों यहाँ भी क्या कर देंगे अपन, यहाँ फर्स्ट फंक्शन मतलब वाई और डी अपॉन डी एक्स दूसरे का अवकलन मतलब रूट एक्स का अवकलन, और प्लस दूसरा फंक्शन मतलब रूट एक्स और पहले का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स पहला क्या है बच्चों वाई है इज इक्वल टू जीरो है। प्यारे बच्चों यहाँ हम बोले हैं कि सिंस वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स जो हमारा ए इंटू बी होता है वो होता है ए और फिर डी अपॉन डी एक्स बी और फिर डी बी और डी अपॉन डी एक्स ए, है ना बच्चों। यहाँ तक कोई समस्या प्यारे बच्चों को हो अगर, तो बच्चे जरूर से जरूर बताएंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों, एक्स है तो एक्स है ना, अब आप सबको पता है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि क्या पता है आपको, आपको एक चीज़ पता है कि डी अपॉन डी एक्स जो रूट एक्स होता है उसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ तक कि मैंने कहा है बच्चों आपसे कि आप ये याद रखो कि डी अपॉन डी एक्स जो रूट है ना, रूट का अवकलन ही होगा 1/2 रूट, रूट का अवकलन 1/2 रूट। अब अगर रूट के अंदर बच्चों एक्स है तो कोई बात ही नहीं है, अगर एक्स के अलावा कुछ और है तो चैन रूल लगा देंगे, मतलब उसे एक्स मान लेंगे और एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा एक्स, अब रूट का अवकलन क्या होता है बच्चों, होता है 1/2 अंडर रूट, अंदर क्या है एक्स नहीं है वाई है, तो इसे एक्स मान लेंगे, एक्स के स्थान पे वाई रख देंगे। अब बच्चों जो भी एक्स के स्थान पे होता है उसका फिर से अवकलन होता है, तो वाई का अवकलन डी बाई अपॉन डी एक्स हो गया। बच्चों अगर एक्स ही होता तो 1/2 रूट एक्स हो जाता, लेकिन एक्स के स्थान पे वाई है तो जो भी एक्स के स्थान पे है उसे एक्स मान के अवकलन कर लिया,
मतलब रूट वाई का अपकलन 1/2 √y है ना। अब वाई का फिर से अपकलन तो dy/dx। अब बच्चों प्लस तो प्लस, रूट वाई तो रूट वाई, बच्चों एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस बच्चों ऐसे वाई तो वाई है ना, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बच्चों यहाँ रूट के अंदर एक्स ही है, तो डायरेक्ट फार्मूला 1/2 √x। फिर बच्चों प्लस तो प्लस, रूट एक्स तो रूट एक्स, बच्चों वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चे जरूर से जरूर बताएंगे, है ना। तो बच्चों अब अपन इसको मोड़ के रख लें, क्योंकि हमें देखना है कि हमने पिछले स्टेप तक क्या किया हुआ है, ठीक है ना। अब करते हैं सॉल्व नेक्स्ट से। बच्चों यहाँ पे तो x अपॉन 2√x से कर सकते हैं, तो x अपॉन 2√x इस पे गुणा है बच्चों dy/dx का, उतार दिया बच्चों। प्लस तो प्लस है, प्लस तो प्लस है, फिर बच्चों रूट वाई है तो रूट वाई है, फिर प्यारे बच्चों प्लस तो प्लस है, ये y अपॉन 2√x है, तो इसको y अपॉन 2√x कर दिया। अब प्लस बच्चों प्लस क्या है, रूट एक्स है, और प्यारे बच्चों है dy/dx इज इक्वल टू 0। बच्चों हम करते क्या है, सबसे पहले अवकलन करते हैं फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बच्चों अवकलन भी हो गया और सरलीकरण भी हो गया, सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह है कि व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाए। हमारा मेन काम होता है बच्चों जो dy/dx वाला पद है, जो dy/dx वाला टर्म है, उसे एक साथ लिखते हैं, है ना बच्चों। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स अपॉन 2√x इंटू dy/dx, dy/dx है ना, dy/dx, और फिर प्लस बच्चों √y है ना बच्चों, √y, और फिर सॉरी dy/dx एक बार लिखा दिया तो लिखा दिया, ध्यान कहीं और चला गया था, तो मैंने सेम रिपीट कर दिया, जबकि मुझे x dy/dx को एक साथ करना था एक तरफ और बाकी सबको एक साथ एक तरफ। तो dy/dx को एक साथ रखेंगे, इधर रोक के रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2√x और फिर dy/dx, एक ये हो गया। अब एक ये क्या है बच्चों, रूट एक्स है और है dy/dx। अब या तो सबको उधर ले जाएं, है ना बच्चों, या तो यहीं पे रहने दें, अपन उधर लेकर जाते हैं। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस का रूट वाई, प्लस है तो माइनस का रूट वाई, और ये प्लस है तो माइनस का वाई अपॉन 2√x। अब इसके बाद बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, dy/dx कॉमन है, हमने ये रूल बनाया है कि हमें कॉमन निकालना है, dy/dx कॉमन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन 2√x बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, केवल रूट एक्स बचेगा, इज इक्वल टू, है ना बच्चों। चाहो तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, या फिर नहीं चाहो तो आप एलसीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 2√x आएगा एलसीएम बच्चों, 2√x का इससे गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस का 2√x और रूट वाई, फिर माइनस बच्चों 2√x से 2√x कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा केवल y। ठीक है बच्चों, ऊपर बचेगा केवल और केवल y। यहाँ भी अपन चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो dy/dx इंटू क्या रहे बच्चों, यहाँ पे क्या है 2√x इज एलसीएम, ये कैंसिल होगा तो x होगा प्लस, है ना बच्चों, x होगा प्लस। ये चीज़ बच्चों मुझे मिस्टेक समझ में आ रही है, ये कहीं y तो नहीं है, है ना बच्चों, ये कहीं y तो नहीं है, अपन ने गलत तो नहीं उतार ली, रूट एक्स ही होगा मेरे हिसाब से, तो रूट एक्स ही होगा, है ना, रूट एक्स और dy/dx, रूट एक्स और dy/dx, है ना बच्चों। ठीक है, अभी क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2 का इससे गुणा होगा, पूरे का इससे 2 और रूट एक्स का रूट एक्स से गुणा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, मेरे हिसाब से अपन ने कहीं पर मिस्टेक कर दी बच्चों, देखते हैं आंसर, अगर नहीं आता तो 100% हमने मिस्टेक करी है, ओ माय गॉड, ठीक है ना, मिस्टेक तो कर दी ना यार, देखो यहाँ पे मिस्टेक करी हमने, ओ माय गॉड, ये गलती है, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो यार, देखो यहाँ पे अपन ने उतारने में गलती करी,
एक्स टू रूट वाई है यार, ये एक्स टू रूट वाई है, बाकी सब सही है, सिर्फ एक्स टू रूट वाई ये गलती कर दी हमने, एक्स टू रूट वाई। अब देखो वीडियो यार अपन दोबारा इसमें वो नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है यार, है ना, अपन इसीलिए समझ लेंगे। ये क्या है बच्चों, टू रूट वाई है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा टू रूट वाई, है ना बच्चों। और जब टू रूट वाई है और टू रूट वाई एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और फिर बच्चों टू, तो इस पूरे का इससे गुणा, तो टू रूट एक्स और रूट ऑफ वाई, है ना बच्चों। आप लोग देख लेना मैंने क्या किया है कि दोबारा ना करना पड़े इसलिए मैंने इसी पे ऐड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा टू रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स इंटू रूट वाई, अभी अगली बार कर लेंगे, रूट एक्स अलग और रूट वाई अलग, है ना बच्चों। रूट एक्स इंटू रूट वाई और माइनस वाई, माइनस बाहर है तो प्लस, गलतियाँ बहुत हो रही हैं। माइनस कॉमन निकालोगे बच्चों अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अब हो जाएगा ये टू रूट एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, टू रूट एक्स हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। उसके बाद बच्चों ये क्या हो सकता है, एक्स प्लस टू। बच्चों आप सब जानते हो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपके पास रूट ए इंटू रूट बी हो तो आप उसे एक बड़ा रूट लेके ए इंटू बी कर देते हो। तो सेम यही रूट एक्स इंटू रूट वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स और वाई अपॉन, प्यारे बच्चों टू रूट वाई, है ना, अपॉन में टू रूट वाई, और फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस बाहर है टू, रूट एक्स अलग रूट वाई अलग, एक साथ कर सकते हैं एक्स इंटू वाई प्लस का वाई अपॉन बच्चों टू रूट एक्स। बस बच्चों इसे अपन मोड़ के रखेंगे, है ना, इसे अपन ऐसे मोड़ के रखेंगे ताकि देख सकें कि अपन ने पिछले स्टेप में क्या किया था, और इसको फर्दर हम करेंगे सिंप्लीफाई, है ना, सॉल्व करेंगे। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स को रोक लेंगे, इसको जब यहाँ रोक लोगे बच्चों तो ये इसके अपॉन में जाएगा, है ना, ये इसके अपॉन में जाएगा। देखो बच्चों या तो अपॉन में ले जाओ, अपॉन में ले जाओगे, है ना, ये इसके अपॉन में जाएगा, या तो अपॉन में ले जाओ, अपॉन में जाने के बाद ये पलट के ऊपर जाएगा ही। आप ये बोल सकते हो ये जो अपॉन में है ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, है ना, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और ये जो ऊपर है ये अपॉन में चला जाएगा। आप अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो या फिर नहीं करना है, चलो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, क्या है ये, माइनस है टू और फिर बच्चों टू रूट ऑफ एक्स वाई है, और फिर प्लस का वाई है अपॉन में बच्चों टू रूट एक्स है, फिर पूरा अपॉन। अब ये नीचे आएगा बच्चों तो एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई है बच्चों अपॉन में टू अंडर रूट वाई, है ना बच्चे लोग। अब क्या होगा, अब ये पलट के ऊपर जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो ये वाला पोर्शन लिखें, इतना सारा ये वाला पोर्शन लिखें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टू ऑफ टू रूट एक्स और वाई और प्लस का वाई अपॉन में क्या है, टू रूट एक्स है बच्चों। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, टू रूट वाई ऊपर चला जाएगा, टू रूट वाई ऊपर चला जाएगा, अपॉन में रहेगा एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई, एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई, है ना बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप जरूर से जरूर बताना, अगर दिक्कत है तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इस टू से ये टू कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए ना, उसके बाद अगर देखा जाए बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं बच्चों। ये माइनस टू मैंने क्यों उतार लिया मुझे खुद नहीं पता, ये केवल माइनस था, है ना, आज पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रहा है, ये केवल माइनस था बच्चों। अब देख लो यहाँ पे, ये केवल माइनस टू अंदर था, अपन ने पता नहीं क्यों बाहर टू कर लिया था, ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं, हो रहा है बच्चों, मिस्टेक होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो रूट वाई का इससे गुणा होगा, है ना, यहाँ पे है बच्चों माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं ब्रैकेट के पास,
अब क्या होगा बच्चों, ये क्या बचा, टू रूट एक्स वाई अब प्लस वाई है ना, इनटू क्या है बच्चों, रूट वाई है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है इसका गुणा होगा रूट एक्स से, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो टू रूट एक्स वाई को पहले कर सकते हैं, टू रूट एक्स वाई को पहले कर सकते हैं, प्लस एक्स को बाद में कर सकते हैं अंडर रूट एक्स, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों फंडा उतना ही है, काम उतना ही है कि सबसे पहले हमें दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, और बच्चों अवकलन करने के बाद, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें क्या करना है कि डी बाई अपॉन डी एक्स को एक साथ रख के कॉमन निकाल देना है। मैं एक क्वेश्चन इस वीडियो में और करता हूँ बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो रही है तो मैं एक ब्रेक लेके आऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप सब एग्जाम्पल्स तो कर ही लोगे, अब मैं एग्जाम्पल नंबर एट करता हूँ, है ना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर एट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर एट कहता है यदि, क्या कहता है बच्चों, यदि कहता है ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई हो तो, कॉस वाई हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करो, तो आप डी बाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करो, है ना बच्चों, ये कहता है क्वेश्चन। तो बस हमने क्या बोला, हमने तो रूल बना के रखा है कि हमें करना केवल क्या है, हमें सिर्फ करना है बच्चों क्या निकाल लेना है, सबसे पहले बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे बच्चों, दिया है, गिवन है, क्या गिवन है प्यारे बच्चों, गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ये दिया है प्यारे बच्चों। पहला काम रहता है कि हम लिखें कि दोनों पक्षों का, क्या लिखें बच्चों, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना है ना, तो यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस फिर क्या है बच्चों वी वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मिस्टेक तो मतलब कॉमन सी बात हो गई है ना, तो इसको अब मैं काट ही दूँ, थोड़ा सा ध्यान करो भैया, सिलेबस पे ध्यान रखो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है तो धीरज भाई ध्यान दो, बच्चे लोग का मिस्टेक ना कराओ, डी अपॉन डी एक्स ये क्या बन गया ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना, तो क्या होगा बच्चों कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब इसका अलग अवकलन होगा, इसका अलग अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा बच्चों, तो एक कांस्टेंट है बाहर होगा, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अलग अवकलन, बी कांस्टेंट है बाहर होगा और डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान करो, आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स जो कॉस एक्स होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन कॉस के बाद एक्स होना चाहिए, है ना, यहाँ पे कॉस के बाद क्या है बच्चों वाई है, मतलब एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कुछ और है, तो बच्चों एक्स के स्थान पे जो भी हो उसे हम एक्स ही समझते हैं, तो कॉस एक्स का अवकलन होगा बच्चों माइनस का साइन एक्स, एक्स के स्थान पे वाई है, अब वाई के स्थान पे जो भी होता है उसका फिर से अवकलन, तो वाई का अवकलन क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है बच्चों। अब इधर का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो ए हो गया एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों वन हो जाएगा, प्लस बी हो गया वाई स्क्वायर, है ना बच्चों वाई स्क्वायर, स्क्वायर जब भी हो तो अपन इसको एक्स स्क्वायर जैसा समझें, मतलब एक्स के स्थान पे क्या रखा हुआ है वाई रखा हुआ है, इसे अपन एक्स समझें, मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है टू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है वाई है, अब बच्चों जो भी एक्स के स्थान पे होता है उसका फिर से अवकलन, तो y का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन y और डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों पहला काम होता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अवकलन कर दो, अवकलन करने के बाद सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को एक तरफ लाओ और बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो बच्चों ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला पद है, अपन इसे लिख सकते हैं टू बी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, टू बी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाला पद है बच्चों, इधर लाएं इसको, तो माइनस है तो प्लस का क्या बन जाएगा बच्चों साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू, अब ये जो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा जो बचे उन्हें एक साइड करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड, बाकी सबको एक साइड, उसके अलावा केवल ए बचता है बच्चों, तो ए को अपन ने एक साइड कर दिया। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो उसे कॉमन निकालेंगे तो टू बी वाई प्लस क्या बचेगा यहाँ पे साइन वाई बचेगा इज इक्वल टू ए। तो बच्चे लोग हमने जो रूल बना के रखा है कि पहले अवकलन करो, फिर सिंप्लीफिकेशन करो, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ रख के कॉमन निकाल लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मिल जाएगा। तो सारा कुछ वही चल रहा है ना, थोड़ी जगह इसमें है तो इस वाले में इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे है थोड़ी जगह तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इतने जगह में, ठीक है। अब बच्चों देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये चीज़ हमको निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालनी है प्यारे बच्चों। बहुत आवाज़ आप लोगों को आज झेलनी पड़ रही होगी, है ना, कागज़ भी बचाना पड़ेगा भैया, कितना कागज़ लाओगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, मतलब इसको यहाँ पे रोकेंगे, तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों इधर ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा बच्चों तो अपॉन में जाएगा, हो जाएगा ए अपॉन ये अपॉन में जाएगा बच्चों, तो टू बी वाई प्लस तो प्लस और साइन वाई तो साइन वाई, है ना बच्चों, साइन वाई तो साइन वाई, ये हमारा आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा। देखो फिर से मिस्टेक हुई क्या, कुछ मिस्टेक बिल्कुल हुई है ना, मिस्टेक आज क्यों हो रही है बच्चे लोग, अब ये जो ए प्लस का था उधर गया तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, अब हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन से मिस्टेक नहीं होगी, अपन अभी यहाँ पे इस वीडियो को बंद कर रहे हैं और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करके वापस से आते हैं, ठीक है बच्चे लोग, एक जो चीज़ बार बार दिमाग में आ रही ना उसको निपटा के ही आते हैं, है ना, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।